क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप, 0 Mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए धर्मेंद्र प्रधान, बी महेंद्र प्रधान, सी बालकृष्ण लाल या डी मधुकांत भारती। वीडियो को रोक कर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। युवक की प्राइवेट क्लिनिक में मृत्यु से क्लिनिक हुआ रण क्षेत्र में तब्दील। मुर्गियाचक गांव में डॉक्टर जफर जावेद के निजी क्लिनिक में बबुरा गांव थाना धनकुंड जिला बांका के मोहम्मद इरफान, जो 30 वर्ष के थे, उनका इलाज के दौरान मौत हो जाने पर उनके क्लिनिक में मृतक परिजनों ने हंगामा किया। कुछ देर बाद सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृतक की पत्नी रूबी खातून ने बताया कि मेरे पति को पेट में मीठा मीठा दर्द रहता था। वो पैदल चलकर डॉक्टर जावेद जफर के क्लिनिक में लगभग 1 बजे आए और डॉक्टर ने देखकर कहा कि पेट में गैस फंस गई है और अल्ट्रासाउंड कर 4 इंजेक्शन लगा दिए गए। इंजेक्शन लगाने के बाद उसको नींद आ गई। उन्हें बहुत देर तक मैं उठाती रही, फिर भी वो नहीं जग रहे थे। तब मैं घबरा गई और डॉक्टर के पास गई, फिर भी डॉक्टर ने कहा कि देखता हूँ आखिर क्या हुआ है। फिर वो मेरे पति के पास आए तो वो मरीज को देखकर बोले हालत खराब है। वो भागलपुर ले जाने की बात करने लगे। उन्होंने नहीं बताया कि मौत हो गई है। मोहम्मद असद आलम ने बताया कि बिल्कुल स्वास्थ्य पैदल चलकर के इनके क्लिनिक में उन्हें लाया गया था और डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सनहौला थाने के पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच कर आक्रोशित लोगों को शांत कराया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। कैसे क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ था? कुछ ना, बस घर सही करनी है, आलस बोली करी सब चीज। हां लगाई की निकाली थी अभी तुरंत। अच्छा, एक में कर के चल अल्ट्रासाउंड करवा पे, मगले चल अल्ट्रासाउंड करवा पे। अच्छा, वही तो चल अल्ट्रासाउंड करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लियो है का। अच्छा, कल को गैस फसलो छ, कल सोई का बैठा ही गैस फसलो छ। हमने अब इधर भागलपुर कैसे ले जाइयो, कल के कहीं तले जाबो गैस फसलो छ। अच्छा, कल के ना आराम होय तो तुरंत दुगो तक कोनी चढ़ाबो, चट सुई देबो, डलो डलो तीन सुई देल को। अच्छा, और कुछ ना, अभी बढ़िया चल रहा है तब की पेट दर्द कमी बचा है, तैयार दर्द नहीं कमी है। लहा गए लज मिर्च आइन पूरा यहां एकदम चाओ, डॉक्टर का देखवाल के लिए कल को आवे की ले जो भगन को हमरे से बने हो सकता तुरंत ले जो भगन को। अभी निकली गाड़ी आप खड़ी छ, सुताला छ, आप को सुता उठाए का। क्या नाम था उनका? रूमी। रूमी कितना एज हो रहा था? उसका नाम इरफान है। इरफान है, एज क्या हो रहा था? एज उम्र कितना है? 35। मकान? बबुरा। बबुरा, आप उनके कौन हुए? बीबी। आप उनके बीबी हुए? हाँ। आपका नाम क्या है? करीब 9:30 बजे वो लोग, फिर हम यहाँ से चले गए। जब देखे कि भीड़ बेकाबू हो रहा है और वो लोग अपशब्द भी कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है मेरे कंपाउंडर के साथ, तो कुछ लोगों ने इशारा किया तो हम यहाँ से चले गए अपने गाँव पे। उसके बाद बीच बचाव करके 9:30 बजे के आसपास से लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट में लगी आग, कोई हताहत नहीं। भागलपुर में एक बड़ी घटना होते होते बच गई। लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट भीकनपुर, जो गुमटी नंबर 2 GC बैनर्जी रोड में अवस्थित है, उस अपार्टमेंट में अचानक इलेक्ट्रॉनिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर अग्निशमालय पदाधिकारी द्वारा सूचना मिलते ही दलबल के साथ कुंजल सिंह व पूरी टीम छोटी व बड़ी दमकल गाड़ियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और इस बड़ी घटना को होने से बचा लिया गया। बताते चले कि इस अपार्टमेंट में तकरीबन 100 लोग रहते हैं। इस अपार्टमेंट के बच्चे के हल्ला करने से वहां के लोगों को इस आग लगने का पता चला और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी थी। तभी फायर स्टेशन भागलपुर को फोन किया गया और अग्निशमन सेवा के सारे वॉलंटियर्स आकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने से अपार्टमेंट में कोई नुकसान नहीं हुआ, बस इलेक्ट्रॉनिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल जलकर खाक हो गया। कुछ वायर जल गए हैं जिसे मरम्मत कराई जाएगी। उसी अपार्टमेंट के रहने वाले नीरज कुमार सिन्हा का कहना है कि हम लोगों को बच्चे के हल्ला करने से पता चला कि हमारे लक्ष्मी अपार्टमेंट में आग लग गई है। तब तक अग्निशमन सेवा वाले समय रहते आकर आग पर काबू पा चुके थे, कहीं कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। के आसपास में हम लोग अपार्टमेंट में थे, फर्स्ट फ्लोर के रूम में,
तो देखे बच्चा लोग हल्ला कर रहा है कि आग लग गया, आग लग गया। तो हम लोग देखे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा हुआ है। यहाँ 20 फीट का अपार्टमेंट है, तो जहाँ 200 मीटर लगा हुआ रहता है वहाँ बहुत बखूबी अग्निशमन आके देखे तो उसमें आग लगा हुआ था। तो फिर हम जी इसमें कोई गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ है, जो भी है सो वायर जला हुआ है और इसमें अलग से तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाद के आग जलने से अपार्टमेंट वगैरह जो भी गर्म हो गया है, मोटरसाइकिल वगैरह कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ जगह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। जी मेरा नाम नीरज कुमार सिन्हा है, हम इसी बारे में बोलते हैं। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। पहले बेटे को मारा, अब केस उठाने की धमकी देने के साथ मुझे भी मारने की धमकी दे रहा कातिल। भागलपुर में एक असहाय माँ को एसएसपी से गुहार लगाते देखा गया। उनका कहना था कि 25 जून की रात गोली हत्याकांड में कामिल के 3 लोगों ने साजिश के तहत उसे घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। लगभग 15 दिन होने को चला परंतु इस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, न ही गुनहगार को सजा दी जा रही है। ताज़ा मामला भागलपुर एसएसपी ऑफिस का है। मृतक कामिल की माँ एसएसपी से गुहार लगाने आई और फफक फफक कर रोने लगी। उनकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उनका कहना था, मैं अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, मैं डरी सहमी सी हूँ। अपने बेटे के कातिल को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हूँ परंतु कोई थाना सुनने को तैयार नहीं। मृतका की माँ का कहना है कि मैं हबीबपुर थाने गई तो वहाँ मेरी कोई नहीं सुनता। जिन लोगों ने मेरे बेटे को मारा वो लोग शायद थाने में पैसा देकर मुझे प्रत्येक दिन धमकाने आते हैं, डराने आते हैं और ये कहते हैं कि ये केस उठा लो वरना अच्छा नहीं होगा। मृतक कामिल की माँ बीवी शजरून नया टोला अशरफ नगर हबीबपुर की रहने वाली है। मेरे बेटे को बता बाती बनाई जमा उधर में जाइए बहन सनवार धनबा भी बेटा अब तगले में गए रहे। उसके बाद में बेटा झंझट हुआ जिम्मा के दिन मेरे बेटे को बोला कौन कौन था स्कूल तगले में पुलिस में मेरे बेटे को मार देगा। अब दो तीन तो खड़ा हुआ था फतवा नटवा और निश्चित हनुमा खड़ा था जो मारे वाला था मंगला चलवा मेरे जान नहीं छोड़िए मार दो मार जुम्मा के दिन कल के दिन बेटा कोई सुनवाई नहीं करा पैसे वाला बदमाश का घर हब्बीपुर थाना बेटा पूरा बेटा सब कोई नहीं था बेटा मेरे बेटा कोई एक बेटा थाना गए थे थाना में तो कोई सुनवाई वही सन दौग रहा थाना वही सन दौग है बेटा बूढ़ी आदमी हमको कोई नहीं पा रहा बेटा सवर भी नहीं है बेटा एक तो छोटा बच्चा काम सिखलाते थे दो तो बच्चा बाल बच्चे दार है कोई नहीं था मेरा बेटा घर में लेकिन ला गई अपने बेटी को बाबू कोई का सहारा नहीं ये जो सारे जिया बेटा अरे बारो उछला गाली जाके मारेगा कौन फसाएगा किसको हाँ मारेगा कौन बगैर मरने जाकर मेरे बेटे को मार देता हम हाँ, किसके सारे जिएंगे बाबू। भाई का मर्डर हो गया है जो नाटू फतेह और निसार ने बुला के मार दिया था। तो हम लोग थाना से दोबारा आया भी नहीं पूछने के लिए क्या हुआ नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट लेने के लिए पूछने के लिए कोई आया भी नहीं। तो हम लोग थाना गए तो कुछ कार्रवाई वहाँ से हो नहीं रहा। यहाँ एसपी साहब के पास ये लगा के दूसरी बार आ चुके हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, हमेशा मीटिंग में। और क्या आश्वासन दिया जाता है यहाँ से? क्या आश्वासन यहाँ से? बस ये कहा जाता है कि मीटिंग है, आप कागज रख दें, बाद में देखा जाएगा जो होगा करेंगे दो तीन दिन में। फिर वही होता है, हर हफ्ते दो हफ्ते में आते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता। हम जैसा कि हम लोग के घर पर धमकी भी दिया जाता है कि केस तुम लोग वापस ले लो, मेरा बच्चा नहीं था वगैरह वगैरह, नहीं तो तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। हमें बहुत तरीके से डराया जाता है। ये घटना कब का है? 25 तारीख को। मृतक आपके कौन लगते हैं? मेरे बड़े भाई से कामिल।
बारह एक बजे रात को हमारे घर पे गेट ढकढकाने का आवाज़ आता है, तो पूरी तरीके से हमें डराया जा रहा है कि केस वापस ले लें, क्योंकि हमारे घर में कोई करने वाला है नहीं आगे पीछे। किस थाने का मामला है? ये हबीबपुर थाने का मामला है, वहाँ से भी अभी तक हालांकि 15 दिन हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। कोई भी एक कार्रवाई हो जाए कि किसी एक को पकड़ लिया जाए, कुछ हो ही नहीं रहा। वहाँ केस हो गया है? वहाँ केस, हाँ केस के लिए अप्लाई किया था, जैसा भी तो पता नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। और जैसा कि वो लोग मोहल्ले में मंगला लोग बोलता है, कलवा लोग बोलता है कि नहीं कुछ होगा ही नहीं, हम लोग के पास पैसा है, पैसा खिलाने से सब कुछ हो जाता है, मतलब बहुत तरीके से डराया ढंगाया जा रहा है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194, 7004826539। नवगछिया में कोसी प्रलयकारी रूप में जहांगीरपुर वैसी गांव में शुरू हुआ बचाव का कार्य। जल संसाधन विभाग के वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर रंगरा चौक प्रखंड के जहांगीरपुर बैसी गांव में कटाव को रोकने के लिए बचाव का कार्य शुरू किया गया। फिलहाल जल संसाधन विभाग ने कोसी तत्वों पर बैंबू रोलिंग और जियो बैग डालने का कार्य प्रारंभ किया। विभाग के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और वे लोग जल्द ही कटाव पर काबू पा लेंगे। विभाग के सहायक अभियंता महेंद्र साहू के नेतृत्व में जहांगीरपुर गांव में बचाव का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण मोहम्मद इफ्तिखार ने बताया कि कटाव की रफ्तार काफी तीव्र है, जल संसाधन विभाग को गाड़ी में और तीव्रता लाना चाहिए। नवगछिया, व्यवस्था यथावत रखने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुँचे स्थानीय लोग व जनप्रतिनिधि। अस्पताल में रोगियों की सुविधाओं को नहीं किया जाए ध्वस्त, बोले डॉक्टर वरुण कुमार। नवगछिया अस्पताल में पिछले दिनों व्यवस्थित की गई सुविधाओं को यथावत रखने की मांग को लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि ने अस्पताल पहुंचकर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा से मुलाकात की। लोगों ने स्पष्ट कहा कि पिछले दिनों डॉक्टर वरुण कुमार द्वारा व्यवस्थित की गई सेवाओं में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की जाए, यह आम लोगों और यहां आने वाले रोगियों के लिए बेहतर है। बात सामने आई कि बुधवार को पूर्व स्वास्थ्य प्रबंधक राजू प्रधान अस्पताल आए थे और उन्होंने कुछ कर्मियों के समक्ष रखा था कि यहां से डॉक्टर वरुण द्वारा की गई व्यवस्थाओं सेवाओं को तत्काल बदल दिया जाएगा और वे ही आए दिन नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक बनेंगे। गुरुवार को बात सामने आई कि अस्पताल में पिछले दिनों व्यवस्थित किए गए सेवाओं में तब्दीली की जा रही है। इसी सूचना पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, जदयू नेता विमल देव राय, राजद नेता व टोलवज्जा के मुखिया राजकुमार मंडल, भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार रजक, प्रशांत कुमार कन्हैया, जदयू नेता ज्ञान सक सिंह समेत अन्य लोग भी अस्पताल पहुंचे। स्थानीय लोगों ने नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण और अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण सिन्हा को आमने सामने बैठाकर व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की। मौके पर डॉक्टर वरुण ने कहा कि अस्पताल में पिछले दिनों की गई बेहतर व्यवस्था को ध्वस्त नहीं किया जाए तो यह रोगियों के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो सके, इसके लिए वे हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। महादलित परिवार ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मिलकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई। महादलित परिवार की महिलाएं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मिलकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस संबंध में ढोलबज्जा थाने के गोला टोला निवासी परमानंद राम की पत्नी यशोदा देवी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर बताया कि मैं अपने घर में खाना बना रही थी। गांव के ही मंटू सिंह, चंद्रशेखर सिंह, बिलो सिंह, छोटू सिंह, शिवराम, रूदो राम, बिशुन राम, विपिन राम, रिपिन राम, रूपेश राम, सुमन राम हथियार से लैस होकर आए, जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, शरीर का कपड़ा खोल दिया, सभी लोगों ने घर को गिरा दिया। पास पड़ोस के लोग बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की। घटना की सूचना देने के लिए कदवा ओपी गई तो वहां से ओपी प्रभारी डांट डपट कर भगा दिया। नारायणपुर बीडीओ की गाड़ी में मारुति ने मारी ठोकर, बाल बाल बचे बीडीओ, सीओ व चालक। नारायणपुर प्रखंड के भगवान पेट्रोल पंप NH 31 सड़क पर गुरुवार की शाम लगभग 5:30 बजे बीडीओ के सरकारी वाहन में पटना की ओर से आने वाली मारुति ने ठोकर मार दी, जिसमें बीडीओ हरिमोहन कुमार, सीओ अजय सरकार व चालक विजय ठाकुर बाल बाल बच गए। हालांकि चालक विजय व बीडीओ को हल्की चोटें आईं। चालक को भवानीपुर पुलिस ने इलाज के लिए नारायणपुर PHC भेजा।
मारुति यूपी 16CU8237 पर गाजियाबाद के मनोज कुमार, चालक रामाशीष, रियाज तौसीफ आलम व मुस्तफा सवार था, जो पटना से कटिहार PHED विभाग के काम में जा रहा था। दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको भवानीपुर पुलिस ने कब्जे में ले लिया। BDO हरिमोहन कुमार ने बताया कि CO के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के भूमिहीन लाभुकों के जमीन देखने के लिए भगवान पेट्रोल पंप से पूरब गया था, जो गाड़ी में बैठकर ही मुआयना करने के दौरान पसराहा की ओर से आ रही मारुति ने अनियंत्रित होकर ठोकर मारी। मारुति में प्रेस लिखा है जो गाजियाबाद के न्यूज चैनल वाली गाड़ी का था। उनकी ही कंपनी के लोग मटेरियल लेकर कटिहार जा रहे थे। कदवा दियारा में चल रहे किसी कटाव का जिलाध्यक्ष ने लिया जायजा। नवगछिया के कदवा दियारा में चल रहे भीषण कोसी कटाव का जायजा भाजपा ने जिलाध्यक्ष विनोद मंडल ने गुरुवार को देर शाम को लिया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बचाव कार्य जारी है। उन्होंने स्थल पर जल संसाधन विभाग से पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने की मांग की है और कार्य में और ज्यादा तेजी लाने की भी। नवगछिया 3 फुटकर विक्रेताओं को दिया गया ऋण। भारतीय स्टेट बैंक की बाजार शाखा से 3 फुटकर विक्रेताओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वेंडर लोन दिया गया है। लाभुकों में पिंटू कुमार लाहेड़ी, बलदेव शाह, रंजीत कुमार निरंजन शाह है। गुरुवार को शाखा प्रबंधक ने सभी लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपा है। नवगछिया वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा हरदोल हरि कीर्तन संपन्न। नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के नगरह में बाबा राजा हरदोल की पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गुरुवार को संपन्न हुई। आचार्य शंकर झा, पंडित प्रभास झा, भूपेंद्र सिंह द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हरे राम हरे कृष्णा आदि अखंड हरि कीर्तन बोल के साथ पूजा अर्चना में जुटे रहे। आचार्य शंकर झा ने बताया, हर वर्ष धूमधाम से बाबा राजा हरदोल की पूजा होती है। इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए सीमित लोगों के साथ पूजा की गई। गाँव की सुख समृद्धि की कामना बाबा हरदोल से की गई। मौके पर गाँव के दर्जनों युवा मौजूद रहे। मंत्री बनने पर अनुराग ठाकुर को दी गई बधाई। नवगछिया सांसद अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनने पर नवगछिया फाइटर्स फिटनेस एकेडमी के निर्देशक सह अंतर्राष्ट्रीय टाइकोंडो खिलाड़ी जेम्स फाइटर गौतम यादव, मिथुन महुआ, प्रेम जायसवाल, पिंटू यादव, कुंदन कुमार, पीयूष कुमार, पंकज कुमार, राहुल कुमार ने बधाई दी। खेल मंत्री बनने पर जेम्स फाइटर ने बताया कि अनुराग ठाकुर पहले भी भारत के खिलाड़ियों के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए सभी सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं ताकि अपने देश का नाम रोशन कर सकें। नए कार्यपालक पदाधिकारी ने दिया योगदान। नवगछिया नगर परिषद के नव पद स्थापित कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन ने गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय में योगदान दिया। उन्होंने बताया कि नवगछिया के विकास के लिए टीम भावना से कार्य किए जाएंगे और शहर में सफाई व्यवस्था और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था दुरुस्त रहे, यह हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा जन समस्याओं के निदान के लिए नगर परिषद कार्यालय आमजनों के लिए हर वक्त तैयार रहेगी। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा नेता मुकेश राणा ने अंग वस्त्र और बुके से सम्मानित किया। वाहन और मास्क चेकिंग अभियान में 13,000 रुपए की वसूली। नवगछिया पुलिस जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बुधवार पुलिस ने मास्क और वाहन जांच अभियान चलाकर 8,200 रुपए जुर्माना वसूल किया। पुलिस ने मास्क नहीं पहने 64 लोगों से 3,200 रुपए और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन कर रहे 6 लोगों से 4,000 रुपए की। वर्षों से बंद पड़ा है लाखों की लागत से बना शौचालय। नवगछिया वार्ड नंबर 17 में हरिया पट्टी बाजार के पास बनाया गया शौचालय वर्षों से बंद पड़ा है। नवगछिया के स्थानीय लोगों ने शौचालय चालू करवाने की मांग की है। काजी कोरैया में ससुराल वालों ने दहेज के लिए नवविवाहिता को जहर खिलाकर मार डाला। लाश को बोरे में भरकर नदी तट के समीप खेतों में फेंका। पुलिस ने लाश बरामद कर पोस्टमार्टम कराया। हत्या के बाद ससुराल वाले फरार। नवगछिया पुलिस जिले के खरीक थाना क्षेत्र के काजी कोरैया में बुधवार की रात ससुराल के लोगों ने मिलकर नवविवाहिता सीमा देवी को जहर खिलाकर मार डाला। नवविवाहिता की हत्या के बाद ससुराल वालों ने मिलकर हत्या के साक्ष्य को मिटाने के लिए महिला की लाश को बोरे में कसकर सीकिया गंगाधार के समीप बैंगन भिंडी के खेत में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलने पर मृतका के मायके पक्ष के लोग खगड़िया के गोगरी जमालपुर से खरीक थाना आकर पुलिस को नवविवाहिता की जहर खिलाकर हत्या की सूचना दी।
खेत में लाश मिलने की सूचना पर खरीक पुलिस मौके पर पहुंचकर बोरे को खुलवाया तो उसमें एक महिला की लाश मिली। पुलिस ने अनुमंडलीय अस्पताल में लाश का पोस्टमार्टम कराया। नवगछिया के मतवाला हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने गुरुवार को सधुआ गांव निवासी मतवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी सधुआ निवासी अनिल कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से ही आरोपी अनिल कुमार फरार चल रहा था। मालूम हो कि पिछले वर्ष 12 दिसंबर को अपराधियों ने सधुआ गांव स्थित कृष्ण कुमार मतवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण जमीन का विवाद बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हत्याकांड के अन्य आरोपी सनोज यादव, महाराणा यादव, जय जयराम यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। रंगरा के थानाध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवगछिया, संवेदक से रंगदारी मांगने के आरोपी गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा गांव में सरकार के नल जल योजना के काम कर रहे संवेदक से रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे गोपालपुर थाना क्षेत्र के करारी तिंटेगा निवासी चंद्रशेखर मंडल को नवगछिया पुलिस ने बुधवार की देर रात को गिरफ्तार कर उसे गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।